नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 नवंबर सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में सबसे ठंडे माने जाने वाले फतेहपुर में इतिहास की सबसे ठंडी रात रही। न्यूनतम तापमान -5.2 डिग्री दर्ज किया गया। ये अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड है। इससे पहले साल 2014 में 30 दिसंबर को यहाँ तापमान -4.6 डिग्री दर्ज किया गया था। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते लगातार तीसरे दिन भी फतेहपुर में न्यूनतम तापमान माइनस में रहने के साथ ही शीतलहर के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। दूसरे दिन भी खुले स्थानों पर तालाब खेतों में पाइप के अंदर पानी जम गया। बूंदी शहर के बाईपास रोड पर रविवार दोपहर एक बदमाश दुकान में बैठे व्यापारी से नकदी व मोबाइल छीन ले गया। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कराई, लेकिन बदमाश का कोई सुराग नहीं लगा। सीसीटीवी फुटेज में कैद बदमाश की पुलिस तलाश कर रही है। कोतवाली थाने के ASI महावीर सैनी ने बताया कि लूट की वारदात कार पार्ट्स व्यापारी राजेंद्र सिंह कालरा निवासी विकास नगर के साथ हुई। उसकी बाईपास रोड पर एकम कार एसेसरीज नाम से दुकान है। दोपहर करीब 3 बजे वह दुकान पर बैठा था। इस दौरान एक लड़का खरीदारी के बहाने दुकान पर आया। बातचीत के दौरान व्यापारी के हाथ में लगे 8,000 रुपये और 24,000 रुपये कीमत का सामान छीन लिया। चोर मचाकर पीछा करने पर बदमाश तेजी से भाग निकला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें कैद हुए बदमाश की तलाश की जा रही है। चूरू के NH 11 पर रविवार सुबह तेज रफ्तार पिकअप और कार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों में से 2 युवकों की मौत हो गई। घायल 3 युवकों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और शव कार में ही फंसे रह गए। शवों और घायलों को निकालने के लिए कार के पुर्जे काटने पड़े। थानाधिकारी महेंद्र कुमार सैन ने बताया कि हादसे में तारपुरा दादिया निवासी कार सवार सत्यनारायण जाट और प्रमोद कुमार जाट की मौत हो गई। घायल साथी नरेंद्र स्वामी, महिपाल मेघवाल व कुंदन को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। कार सवार पांचों दोस्त देशनोक करनी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सुबह करीब 8:30 बजे NH 11 पर राजल देसर के जोरावरपुरा फांटा के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप से भिड़त हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके पर पिकअप छोड़कर फरार हो गया। जैसलमेर में रविवार सुबह एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ पानी के हौद में कूद गई। महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 12 महीने की बच्ची को बचा लिया गया। सांकड़ा थाना अधिकारी आदेश कुमार ने बताया कि दलपतपुरा गांव के नगुगा की ढाणी में रविवार सुबह 8:30 बजे सायरा पत्नी फिरोज खान अपने 3 बच्चों के साथ घर में ही बने पानी के हौद में कूद गई। सायरा के ससुर ने सामने खेत में उसको कूदते हुए देखकर शोर मचाया। पड़ोसियों ने दौड़कर उसको टांके से निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया। सायरा और उसके 2 बच्चों शाहरुख और सिकंदर ने भी दम तोड़ दिया। इस हादसे में उसकी 12 महीने की बच्ची धन्नी बच गई। सायरा करीब 1 महीने पहले ही अपने पीहर से ससुराल आई थी। पुलिस ने मृतका के जलोर स्थित पीहर वालों को सूचना दी है। पुलिस फिलहाल ससुराल पक्ष से घटना की जानकारी जुटा रही है। बाड़मेर में शादीशुदा प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका की तवे से गला काटकर हत्या कर दी। युवक को शक था कि गर्लफ्रेंड के किसी दूसरे युवक के साथ भी अफेयर चल रहा है। महिला का पति के साथ झगड़ा चल रहा था, इसलिए कुछ समय से अपने पीहर ही थी। महिला 3 बच्चों की मां थी। बालोतरा शहर के हीराबा की ढाणी स्थित एक मकान में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। बालोतरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। मृतका रान की पत्नी पप्पा राम निवासी हीराबा की ढाणी में गले से धारदार हथियार के निशान मिले। वहीं हर तरफ खून बिखरा हुआ था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतका के भाई ने हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि दोनों का 3 साल से अफेयर था। युवती पहले से युवक को जानती थी, जब भी वह पीहर आती उससे मिलती थी। फिलहाल पति से नाराज महिला कई महीनों से पीहर में ही रह रही थी। ऐसे में दोनों रेगुलर मिल रहे थे। इसी बीच युवक को शक हुआ कि महिला किसी अन्य युवक से भी मिलती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि वह महिला को धमकी देकर चला गया। बाद में रात में जब महिला अपने घर चली गई, तब वह फिर लौटा, रसोई में रखा लोहे का तवा उठाया और गर्दन पर वार कर दिया। वार इतना तेज था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 641 तकनीशियन के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इनकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 10 जनवरी 2022 को रात 11:55 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को इसी समय अवधि तक ऑनलाइन शुल्क भी जमा करना होगा। वहीं 25 जनवरी से 5 फरवरी 2022 के दौरान परीक्षा होगी।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तकनीशियन की पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक पात्रता 10वीं पास है। तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें उम्मीदवारों को बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 21,700 रुपये वेतन के साथ भत्ते स्तर 3 अनुक्रमणिका 1/7 CPC मिलेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 10 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां को गिरफ्तार किया है। आरोपी मां के प्रेमी ने नाबालिग के साथ 4 साल तक रेप किया था और मां ने इसे प्रेमी का सहयोग किया था। पुलिस ने शिकायत के बाद रेप के आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मां फरार हो गई थी और कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आ गई थी। अब हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि पंडोली निवासी महिला के पति की मौत के बाद एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे। वो अपनी बेटियों और बेटे के साथ उसके पास रहती थी। इस दौरान इस प्रेमी ने 16 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने अपनी मां को बताया तो उसने मौन सहमति दे दी। आरोपी करीब 4 साल तक नाबालिग के साथ रेप करता रहा। इसके बाद नाबालिग तंग आकर अपने मामा के घर चली गई और वहां से नहीं लौटी। रॉयल वेडिंग के लिए पिंक सिटी जयपुर में एक बार फिर सेलिब्रिटीज, राजनेताओं और बिजनेस टाइकून आए हुए हैं। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे प्रजय की हाई प्रोफाइल शादी के फंक्शन में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, अनिल कपूर और शिल्पा शेट्टी ने जमकर डांस किया। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हुक्के का कश लेते दिखाई दिए। इसी शादी में शामिल होने के लिए उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल, अनिल अग्रवाल, अनिल अंबानी, सुनील मित्तल सहित केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई बिजनेसमैन परिवार के साथ जयपुर आए हुए हैं। जयपुर के रामदग पैलेस में संगीत समारोह रखा गया। पटेल परिवार के सदस्यों के साथ ही बॉलीवुड के कलाकारों ने भी जमकर डांस किया। इस दौरान सलमान खान, अनिल कपूर और शिल्पा शेट्टी ने जुम्मे की रात है गाने पर परफॉर्म किया। वहीं सिंगर गुरु रंधावा ने हाई नी तेरा नखरा गाना गाकर सभी को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। चूरू में देर शाम दो कारों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। दूसरी कार में सवार परिवार के 5 लोग घायल हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को मोर्चरी में रखवाया है। थानाधिकारी विकास चांगिड़ ने बताया कि हादसे में गोठियाबड़ी निवासी राजेंद्र सिंह, लसेड़ी गांव निवासी वीर सिंह और भामासी निवासी जयनारायण सिंह की मौत हो गई। तीनों एक कार में सवार थे। दूसरी कार में पिलानी में रहने वाले गिरवर सिंह, उसकी पत्नी सरमेश, बेटा पुष्पेंद्र सिंह, भाई सतवीर सिंह और पोता यशवर्धन सिंह थे। गिरवर सिंह अपने गांव लाखलान बड़ी में मौत पर शोक जताने परिवार सहित आया था। शाम करीब 7:30 वह परिवार सहित पिलानी लौट रहा था। सादुलपुर पिलानी रूट पर चांदबूठी गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से भिड़त हो गई। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 218 पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करने की 20 दिसंबर लास्ट डेट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू की थी। 218 पदों में नॉन TSP के लिए 203 और TSP के लिए 15 पद हैं। सभी पदों के लिए सामान्य SC, ST, OBC, EWS और MBC वर्ग को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। आयोग ने इन पदों के लिए 18 से 40 साल तक आयु सीमा तय की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी दी गई है। आयोग चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पूरी करेगा। परीक्षा का स्थान और माह तय समय पर जारी किया जाएगा। परीक्षा में सारे सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा से संबंधित जानकारी समय समय पर आयोग देता रहेगा। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.